हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत स्पेशल साबूदाने की खीर की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो आइए बिना कोई देर किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा लीटर दूध। ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, आपको भी फुल क्रीम दूध ही लेना है, इससे आपकी खीर बहुत ही अच्छी बनेगी। इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक गिलास पानी, इससे हमारी खीर अच्छे से बैलेंस हो जाएगी, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हमें दूध में एक अच्छे से उबाल आने देना है। ये देखिए हमारे दूध में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे भीगे हुए साबूदाने। ये साबूदाने मैंने रात भर भिगोए हैं आप भी चाहें तो इन्हें रात भर भिगो सकते हैं। अगर आप रात में भिगोना भूल गए हैं, आपको जल्दी बनाना है, तो आप साबूदाने को घंटे भर पहले भी भिगो सकते हैं। लेकिन साबूदाने को भिगाने की एक अच्छी ट्रिक होती है, आप साबूदाने का लेवल जितना लेते हैं उससे 1 इंच ऊपर ही आपको पानी का लेवल लेना होता है। इससे होगा ये कि आपके साबूदाने बिखरे बिखरे रहेंगे, इससे आपकी खीर और खिचड़ी जो भी आप बनाएं साबूदाने से वो बहुत ही अच्छी बनेगी, दिखने में भी और खाने में तो बनेगी ही है। अब हम सारे साबूदाने को इस दूध के अंदर डाल देंगे और हम इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। खीर को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही बनाना है, क्योंकि हमारे साबूदाने भी भीगे हुए हैं और दूध भी उबला हुआ है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे केसर के तार। हमें केसर के तार स्टार्टिंग में ही डाल देने हैं, ताकि हमारी खीर का कलर जो है वो अच्छा आ सके। अब हम एक बार इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का ही टाइम लगेगा हमारी खीर को बनने में दूध बॉईल होने के बाद। देखिए अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। ये मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, जो कि लगभग 10 से 11 टेबल स्पून है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं हमारी खीर का कलर जो है काफ़ी चेंज हो गया है और ये बहुत जल्दी गाढ़ी भी होने लगी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता लिए। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 2 इलायची का पाउडर। मैंने यहाँ 2 इलायची को अच्छे से बारीक पीस लिया है। ये देखिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी खीर ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। हमें इसे थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे। 10 मिनट बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारी खीर जो है पहले से कितनी गाढ़ी हो चुकी है, इसका टेक्सचर बताऊँगी, अभी आप देख लीजिए। इसीलिए हमें इसे थोड़ी सी लिक्विड ही रखना होता है। ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद हमारी खीर का टेक्सचर ये पहले से भी हल्की सी और गाढ़ी हो गई है, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा लिक्विड रखते हैं स्टार्टिंग में, ताकि एकाएक गाढ़ी ना हो। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी अदर रेसिपीज़ की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।